अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खुशखबरी आ रही है। सीटेट जुलाई 2023 के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इस समय की दोस्तों बड़ी खबर है, और आपको बता दें बड़ी बड़ी जगह से अपडेट्स आ रही हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं सीटेट जुलाई के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप देखिए जागरण की तरफ से अपडेट, हिंदुस्तान की तरफ से, इंडियन एक्सप्रेस, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पर अपडेट समय देखने को मिल रही है। इस समय की दोस्तों ये बड़ी खबर है। देखिए कब से आवेदन शुरू होगा, कब होगा आवेदन का अंतिम दिन, कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम आपको लिंक देने जा रहे हैं, जहां से आप लोग सीटेट के लिए डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2023 हेतु विज्ञापन जारी। 27 अप्रैल से लेकर 26 मई तक कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित होगी। इस समय की दोस्तों ये बड़ी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि क्या बीएड के छात्र पेपर वन में आवेदन कर पाएंगे या नहीं, आवेदन के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या दोस्तों सिलेबस में कोई बदलाव होगा। फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने लाएंगे। पासिंग नंबर कितना होने वाला है इस बार पेपर में, क्या पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, सीटेट जुलाई के लिए फीस कितनी लगेगी। एक बात आपको और बता दें, जल्दी से जल्दी आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आवेदन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने ही जिले में पेपर देने का मौका मिले। लास्ट टाइम दोस्तों बहुत से बच्चे भैया दिल्ली के चक्कर काटे हैं, ठीक है। इस बार आप ये गलती मत करिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज के आज सबसे पहले आप लोग आवेदन कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि आपको दूसरे जिलों में जाकर पेपर देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आएगा? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जहाँ पर बीएड और बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। सीटेट दोस्तों मैथ की कंप्लीट वीडियोस की लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, जहां पर दोस्तों ए टू जेड सीटेट की चैप्टर वाइज वीडियोस आप पढ़ पाएंगे। अगर आपका टारगेट है कि मैथ में भैया हमको गणित में 30 में से 30 नंबर इस बार चाहिए, एक नंबर भी मेरा कटे ना, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए पासिंग नंबर पहले कितना है सीटेट के लिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको पास होने के लिए 90 नंबर, ईडब्ल्यूएस में भी कोई छूट नहीं पास होने के लिए 90 नंबर, ओबीसी में दोस्तों छूट मिलेगी आपको 82 नंबर, एससी कैटेगरी में फायदा मिलेगा 82 नंबर, एसटी कैटेगरी में फायदा मिलेगा 82 नंबर, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में फायदा मिलेगा 82 नंबर। तो ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या सिलेबस में कोई बदलाव होने जा रहा है सीटेट पेपर को लेकर, तो आपको बता दें नहीं, नो बिल्कुल नहीं। सीटेट पेपर में जो सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार का आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो लास्ट टाइम किस हिसाब से आपने तैयारी की थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस तरह से फिर से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी, इसका आंसर है नहीं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। तो मतलब आप लोग 150 के 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी जो नंबर कॉमन मिल जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं तो उसमें आपको फ्री का नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों इस बार जो पेपर में बच्चे फेल हो गए थे सीटेट दिसंबर में, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, एक और मौका आपको मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक कोई पब्लिक नोटिस अलग से जारी नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे असमंजस में है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू होने की बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके ही सिटी में एग्जाम देने का मौका मिले, तो आप आवेदन कल नहीं, आज के आज करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। अगर आप आवेदन करने में देरी करेंगे तो फिर आपको आपके जिले में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप लोग दोस्तों फिर वही डालेंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। आप अपने घर से दूर जाकर सेंटर भरेंगे फिर पेपर देंगे। तो ये गलती जो आपने लास्ट टाइम की थी, इस बार ये गलती नहीं करेंगे। एक सब्जेक्ट में आवेदन करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। दोनों विषय में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पेपर वन और पेपर टू, तो दोस्तों आपको 1200 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें, पेपर वन और पेपर टू को मिलाकर 1200 रुपये लग रहा है, ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। लेकिन जो बच्चे बीएड कर रखे हैं उनके लिए दोस्तों क्या योग्यता है, क्या वो बच्चे, देखिए बीएड के बच्चे पेपर टू में कोई दिक्कत नहीं है, आवेदन कर सकते हैं, पेपर वन में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पेपर वन वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को समझ नहीं रहना है, आप आवेदन के पात्र पूरी तरीके से हैं। एक और सवाल कि इस बार दोस्तों जो आवेदन हो रहा है उसमें कौन कौन से बच्चे आवेदन के योग्य माने जाएंगे। जो बच्चे दोस्तों बीएड या बीटीसी 2022 में एडमिशन ले चुके हैं, सभी बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। अभी इस साल तो नया आवेदन हुआ नहीं है,
तो पिछले साल में दोस्तों जितने बच्चे आवेदन मतलब एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, डीएलएड या बीएड कॉलेजों में, सभी बच्चे आवेदन के पात्र माने जाएंगे। तो भैया जल्दी से जल्दी आवेदन करिए, जो इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, अगर आप आवेदन करने में लेट कर देंगे तो फिर वही है, फिर आपको दूसरे जिलों में जाकर पेपर देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप लोग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको अपने घर से दूर जाकर सीटेट का पेपर देना पड़े। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सही खबर उन तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो बहुत सी खबरें नहीं पहुंचा पाएंगे आप लोग। तो यही होगा कि कुछ ऐसे जिले थे दोस्तों जहां पर मात्र 2-2 हजार सीटें थी सीटेट पेपर के लिए, कहीं पर 5 हजार, कहीं पर 10 हजार, वहां तो भैया तुरंत ही मतलब बच्चे इस बार तो सबसे पहले आवेदन करके अपनी सीट कंफर्म कर लेंगे, फिर आप लोग रह जाएंगे, फिर कहेंगे सर हमारा पेपर छूट गया, हम नहीं दे पाए या हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन करिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप लोग थोड़ा सा लगातार नजर बनाए रखिए। अधिक जानकारी के लिए हम आपको वेबसाइट बता देते हैं, dledresult.com, dledresult.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले आपको आवेदन का लिंक, सीटेट का सिलेबस का लिंक और सीटेट मैथ की कंप्लीट वीडियोस का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बार अच्छे से तैयारी करना है और आपका टारगेट कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। बहुत ही जल्दी दोस्तों यूपी में सुपर टेट का विज्ञापन भी आने वाला है, यूपी एसटेट के लिए भी हम तैयार रहेंगे, अब यूपी सुपर टेट 2023, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में सीटेट या यूपी टेट का 1/4 नंबर जोड़ा जा सकता है। तो अभी क्या होता है कि सुपर टेट में सिर्फ यूपी टेट या सीटेट का पासिंग नंबर लगता है, जो बच्चे सिर्फ पास हो गए, क्वालिफाइड हो गए, बस इतना ही मांगा जाता है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए सभी बच्चे ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में 1/4 का नया नियम लागू किया जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी तैयारी और ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए, लापरवाही के दोस्तों 1% भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, याद रखना है 1% भी लापरवाही आप नहीं करेंगे। काफी बच्चे पिछली बार तुक्का लगाने के चक्कर में अपना पेपर खराब कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग का यूपी टेट का नोटिफिकेशन पहले आएगा, लेकिन भैया सीटेट ने यहाँ बाजी मार ली। 27 अप्रैल की सबसे बड़ी खुशखबरी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और आवेदन सबसे बड़ी बात है, आवेदन आज से ही शुरू है, मतलब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे आपका आवेदन शुरू हो चुका है। तो भैया ये बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से अपडेट है, एक तरफ तो लग रहा था भैया ये फेक न्यूज तो नहीं है, और एक तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, हिंदुस्तान, तो अब ये अफवाह तो है नहीं, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं दोस्तों 27 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है, ऑनलाइन अप्लीकेशन 26 मई तक चलेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आवेदन करिए, पेमेंट करिए, हमारा जो पेपर होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा, ठीक है भाई। ऑनलाइन मोड में हमारा पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, भले धांधलियां हो रही ऑनलाइन उसको नहीं देखा जा रहा है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए।